नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आइए हम बात करते हैं देश में फैल रहे नए कोरोना वेरिएंट के बारे में। भारत समेत विश्व में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का डबल म्यूटेशन वेरिएंट देखने को मिल रहा है। नया वेरिएंट देश में 18 राज्यों में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना का नया वेरिएंट पुराने के मुकाबले कई गुना ज्यादा जानलेवा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार बताया गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शेयर किए गए कुल 10,787 पॉजिटिव सैंपल में अब तक के 771 कोरोना के नए वेरियंट पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार 336 मामले ब्रिटेन के B.1.7 के मरीज पाए गए हैं, तो वहीं 34 मरीज दक्षिण अफ्रीका के B.1.351 मरीज पाए गए हैं। वहीं अगर हम बात ब्राजील की करें तो P.1 वायरस के एक मरीज ब्राजील वेरिएंट के पाए गए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने 10 नेशनल लैब्स का एक ग्रुप बनाया है जो कोरोना वायरस के अलग अलग वेरियंट की जीनोम सिक्वेंसिंग कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया है कि सभी सैंपल उन लोगों से लिए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके भारत आए हैं। जांच में यह भी पाया गया कि दिसंबर 2020 की तुलना में अब कोरोना वायरस ज़्यादा म्यूटेट कर रहा है, जिससे वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बताया जा रहा है कि इस पर इम्यूनिटी का असर भी कम हो रहा है। ऐसे में आइए जान लेते हैं डबल म्यूटेंट वेरिएंट क्या है। डबल म्यूटेंट वेरिएंट का सीधा सा मतलब होता है कि व्यक्ति का कोरोना वायरस के दो अलग अलग वेरिएंट यानी कि टाइप के संक्रमित होना। इसे आसान शब्दों में कोरोना के डबल इन्फेक्शन कह सकते हैं। दुनिया में ऐसा पहला मामला ब्राजील में आया था। ब्राजील में दो मरीज एक ही साथ कोरोना वायरस के दो अलग अलग वेरिएंट से संक्रमित पाए गए थे। भारत में पाए गए 771 न्यू वेरिएंट में 20% में कोरोना के ऐसे म्यूटेशन पाए गए हैं जिसे काफ़ी चिंताजनक माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केरल के सभी 14 जिलों से 2032 सैंपल के सीक्वेंस ली गई है, जिसमें 11 जिलों के 123 सैंपल ऐसे मिले हैं जिन पर व्यक्ति की इम्यूनिटी का असर नहीं हो रहा है। इधर आंध्र प्रदेश के कुल सैंपल में से 33% सैंपल ऐसे ही पाए गए हैं। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ के 104 सैंपल में से 53 सैंपल ऐसे वायरस के साथ पाए गए हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन में पाए गए SARS-CoV-2 वायरस के नए स्वरूपों यानी कि वेरिएंट में भारत में संक्रमित लोगों की कुल संख्या लगातार बढ़ रही है। मंत्रालय ने यह भी बताया था कि 18 मार्च को SARS-CoV-2 के नए स्वरूपों यानी कि उसके वेरिएंट के संक्रमणों के 400 मामले दर्ज किए गए थे और देश में इस प्रकार से संक्रमितों की कुल संख्या 795 के आसपास बताई गई थी। इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो जिन तीन देशों जैसे कि ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में SARS-CoV-2 वायरस के नए स्वरूपों का पता चला है, उसमें से दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में पाए गए वेरिएंट के पहले संक्रमित हो चुके व्यक्ति को दोबारा संक्रमित करने की क्षमता है। ब्रिटेन में पाए गए वायरस के नए स्वरूप का भारत में पहला मामला 29 दिसंबर को सामने आया था। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने कोरोना टेस्टिंग की संख्या में वृद्धि कर दी है, तो वहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है। इधर पंजाब में कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने से लोगों के मन में डर बना हुआ है। आपको बता दें कि यह वेरिएंट यूके से आया है। पिछले दिनों लिए गए 401 सैंपल में से 81% सैंपल में ये वेरिएंट पाए गए थे। आपको बता दें कि इन वेरिएंट की पहचान B.1.1.7 के रूप में की गई है। तो ये थे कोरोना के लेकर नए वेरिएंट की खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।